हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एन हिंदी टीचर इन आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैशेड़गढ़। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई वेलकम यू ऑल टू जॉइन ऑनलाइन क्लासेस। आई होप सी यू सून इन क्लासेस। स्टे होम, स्टे सेफ। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे संधि। संधि के अंदर हमने पढ़ लिया था स्वर संधि, और आगे आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल तथा स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है। इसमें क्या है, व्यंजन के साथ है स्वर या व्यंजन का मेल होगा, और स्वर के साथ है व्यंजन का मेल होता है। आगे देखते हैं, व्यंजन में परिवर्तन होता है। व्यंजन में इसमें क्या होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन की स्थितियाँ कौन कौन सी स्थितियाँ हो सकती है परिवर्तन की। जैसे प्रथम जो स्थिति है उसमें क्या है, प्रथम व्यंजन में परिवर्तन। जैसे दिक् प्लस में दर्शन है, तो जो प्रथम व्यंजन है, जो मिलने वाला जो प्रथम व्यंजन है वो क्या है, क है। तो दिक् दर्शन से दिग् दर्शन हो गया। क में परिवर्तन हुआ मतलब कि पहले व्यंजन में परिवर्तन हुआ। ये दिग् दर्शन कैसे हुआ इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार सेकेंड जो स्थिति है वो क्या है, द्वितीय व्यंजन में परिवर्तन, दूसरे व्यंजन में परिवर्तन होना। जैसे अभी प्लस में सिक्त, तो क्या बन गया, अभिषिक्त। इसमें स, ये यहाँ पे जो स था उसका ये वाला स बन गया, मतलब कि दूसरा जो व्यंजन है, जो ये जो फर्स्ट व्यंजन बोलेंगे इसको जो मिलने वाला है वो कौन सा है, दूसरा व्यंजन। तो इसमें परिवर्तन हुआ है तो अभिषिक्त हो गया। तो ये क्या हो गया, द्वितीय व्यंजन में परिवर्तन। अगली जो स्थिति क्या है, दोनों व्यंजनों में परिवर्तन, दोनों में ही परिवर्तन हो गया। अब जैसे ये और ये, इन दोनों में सर्द प्लस में शशांक, तो क्या बन जाएगा, उसमें क्या है, द और स दोनों में परिवर्तन होगा। जैसे द का तो क्या बन गया, त, और श का बन गया च, छ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये त और शशांक ये था, तो त और श से क्या बन जाएगा, च, छ, तो क्या बन जाएगा, सर चछांक शांक। तो ये हो जाएगा, इससे इसमें क्या है, दोनों में परिवर्तन हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो ये तो हो जाएंगे इसके परिवर्तन की स्थितियाँ। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, नियम कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। प्रथम व्यंजन में परिवर्तन, ये स्थिति है जो प्रथम व्यंजन में परिवर्तन, वो देख लेते हैं। प्रथम व्यंजन में परिवर्तन, जैसे फर्स्ट का थर्ड में परिवर्तन होगा। जैसे इसमें क्या है, जो वर्ग दिए हुए हैं ना, अपने पांच जो वर्ग पढ़े थे व्यंजनों के, तो उनमें से क्या है, फर्स्ट जो वर्ग का फर्स्ट है वो थर्ड में होगा। जैसे क वर्ग के अंदर क है, तो क क्या है, पहला वर्ण है, और तीसरा वर्ण कौन सा है, क ख ग, तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, ग में परिवर्तन हो जाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे, पहला तीसरे में, उसी प्रकार तीसरा पहले में। ये कहाँ कहाँ स्थितियाँ पैदा होगी ये देखना है। और प्रथम व्यंजन में परिवर्तन किस किस में होगा, पहला है वो तो तीसरे में जाता है, और तीसरा वो पहले में जाता है, और पहला या तीसरा पांचवें में कब जाएंगे, ये चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। और जो बिंदी है वो फिफ्थ वर्ण वर्ग के फिफ्थ वर्ण या बिंदी में ही कब परिवर्तित होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे फर्स्ट है, जो फर्स्ट क्या है, इसमें क्या है, पहला है वो तीसरे में परिवर्तन होगा। तो पहला तीसरे में परिवर्तन कैसे होगा, कब कब होगा परिवर्तन, ये देखते हैं। जैसे वर्ग है उनके पहले पहले जो अक्षर कौन कौन से हैं, क, च, ट, त, प, ये क्या है, वर्ग के जो है ना पहला है वो तीसरे में, उसी वर्ग के तीसरे में होगा, उसी वर्ग के तीसरे में होगा। जैसे क वर्ग में क्या आता है, जैसे क वर्ग हम देखते हैं, क वर्ग में क्या आता है, ये व्यंजन में पढ़े थे तब मैंने बोला था कि संधि में ये काम आएंगे। क वर्ग में, क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड, ये आते हैं क वर्ग में। तो इसमें क्या है, क, च, ट, त, प, ये तो पहले पहले जो आगे वर्ग के पहले अक्षर हो गए, पहले वर्ण हो गए। फिर प्लस में घोष वर्ण, इनके साथ जब पहले
वर्णों के साथ प्लस घोष वर्ण आते हैं तब इनका परिवर्तन है वो क्या हो जाता है, क तो ग में बदल जाता है, च किस में बदल जाता है, ज में, और ट ठ ड में बदल जाता है, त है वो द में बदल जाता है, प है वो ब में बदल जाता है। घोष वर्ण कौन से होते हैं उस टाइम आपको बताया था, नहीं पता तो भी आप ये यहाँ देख सकते हो। घोष वर्ण में जो तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण आता है ना, जैसे क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो क वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा कौन सा हो गया, जैसे क और ख, ये तो क्या हो गया, ये पहला है ये दूसरा है, तीसरा कौन सा हो गया, ग घ और अड़े, ये कौन कौन से हो गए, जैसे ये ग घ अड़े, ये कौन सा हो गया, गय कौन सा हो गया, तीन नंबर, और चार नंबर कौन सा हो गया, ये, और पांच नंबर कौन सा हो गया, अड़े। तो इस प्रकार से ये क्या है, तीसरा चौथा पांचवा ये घोष वर्ण, ये दबाए हर वर्ग के, उसी प्रकार च वर्ग का यहाँ पे जय 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 आए तब, और इसी प्रकार ट वर्ग का जो थ्री फोर्थ और फिफ्थ है वो इस प्रकार से होगा इसका। तो इसी प्रकार उसके अलावा ये रे ले वे शे शे है तक आए तो, और स्वर कोई भी स्वर आए तो क्या है, तब ये क्या है, ये परिवर्तन होगा, क का ग में, च का ज में, और ट का ड में, ये पहला किस में जाएगा, तीसरे में, जब ये इनके साथ आगे आएंगे तब। अब जैसे क का ग में परिवर्तन देख लेते हैं, वाक प्लस में ईस, तो इससे क्या बन जाएगा, वागीस, क है वो ई है वो क्या है, सवर है। ये देखो यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि इसके आगे जब ये आएगा, जैसे वाक प्लस में ईस है, ई किस में आता है, सवर है, तो ये किस में बदल जाएगा, क और ई, ये प्रथम व्यंजन में परिवर्तन होगा, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसमें किस में परिवर्तन होगा, क में ही, खाली क में ही परिवर्तन होगा, तो कै में परिवर्तन होगा, तो कै क्या बन जाएगा, कै का क्या बन जाएगा, ये देखो कै का गै में परिवर्तन, गै में परिवर्तन, तो वाक वाग ये हो जाएगा गै प्लस में ईस, तो ई है वो ऐसे तो आएगा नहीं, मात्रा के रूप में आएगा, तो मात्रा के रूप में ये क्या हो जाएगा, ग के ई की मात्रा लगाते हैं तो ये पूरा हो गए, ये कभी आते गए के आपने मात्रा लगी हुई देखी है क्या, ये नहीं होता, ये सा मात्रा लगती ग क्या है पूरा हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वागीस। इसी प्रकार से दिक प्लस में दर्शन, तो क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन। अब आप यहाँ कहोगे कि यहाँ गए वही रहेगा, क्योंकि गए क्या है, हलंत लगे हुए हैं इनके नीचे, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे तो हलंत ही लगे होते हैं, च के नीचे, गए के नीचे, तो क्या है, आप यहाँ कहोगे कि यहाँ गए आधा ही क्यों आया, तो यहाँ पे क्या है, आगे क्या है, द द है, तो द क्या है, तैत है, द द कौन सा है, तीसरा, तो द क्या है, कह क्या है, द में परिवर्तन हो जाएगा, क ये देखो क किस में, ग में परिवर्तन, तो ग आगे क्या, दर्शन, तो इसके हिसाब से दर्शन तो सीधा ही आएगा, तो ये स्वर होते हैं वही क्या होते हैं, मात्रा के रूप में आते हैं। इसी प्रकार से प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में क्या है, प्राग इसका संधि विच्छेद करना है, अब इन इसमें क्या संधि विच्छेद क्या है इसका, प्राग प्लस में ऐतिहासिक। अब आप इसका विच्छेद किया और इसका संधि बना के देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, इसमें क है वो ग में परिवर्तन हुआ है, ए है तो ए की जगह ये क्या है, डबल मात्रा जो इसके ऊपर आई हुई है ये, और आगे तो वो सेम का सेम है, तो इसमें क्या है, सिर्फ क में ही तो परिवर्तन हुआ है, क का ही तो ग बना है, ये तो ए है वो तो स्वर है, तो स्वर मात्रा के रूप में आते हैं, तो ये हो गया। इसी प्रकार से इसका एक और थोड़ा सा रूप है वो देख लेते हैं, जैसे
सम्यक प्लस में ज्ञान, तो आप कह दोगे कि ज्ञेय तो इसमें आया ही नहीं, आपने बताया ही नहीं कि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने ये छोड़ दिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये रैश है और सवर, तो ज्ञेय तो आया ही नहीं। ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर में मैंने बताया था कि ज्ञेय किससे बना के मिला होता है, जय और ञ से मिल के बना होता है। तो इसमें जय क्या है, वो क्या है, घोष वर्ण है, च छ जय, तीसरा जो है चय वर्ग का तीसरा क्या है, जय। तो इसमें ये ध्यान रखना है, जय किससे बना है, ज्ञ किससे बना है, वो क्या है, जय और ञ से, क्योंकि जय आ गया तो इसमें इसका से हो रहा है जय का, क्या है किसमें बदल जाएगा, गय में, इसलिए सम्यक ज्ञान ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, चय है वो जय में परिवर्तित होगा, चय जय में, ये देखो चय जय में कब परिवर्तन होगा, जब प्लस में घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन कौन से हो जाते हैं, सवर तीसरा चौथा पांचवा, ये र ल व श श है और सवर, ये कौन से घोष वर्ण में आते हैं। तो इसमें क्या है, चय है वो जय में, तो जैसे अच प्लस में अंत, अजंत, चय है वो जय में परिवर्तन हो गया, चय है वो जय में, और अंत है आगे ये अंत ए क्या है, ये स्वर है, तो अजंत बन जाएगा इसका, जय क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जय जैसे अद्धा था यहाँ पे ए आगे लगा हुआ तो अजंत हो गया, अच प्लस में आदि आजादी। इसी प्रकार से क्या है, अगला जो है हमारा टै, और टै से क्या है, डै में परिवर्तन हो जाएगा, टै का डै में परिवर्तन, तो सॉरी यहाँ पे जो है ये टै है, टै कर लेना भी यहाँ पे, सट प्लस में यंत्र, तो ये क्या हो जाएगा, षड्यंत्र, ये टै है उस में परिवर्तन हो गया, अड़े में, अड़े यहाँ पे आधा है क्योंकि ये आ गया, तो ये का यही रहेगा, तो षड्यंत्र। इसी प्रकार सट प्लस में दर्शन है, तो वो क्या हो जाएगा, षड दर्शन, टय है वो किस में परिवर्तन हो गया, डय में, डय के नीचे हलंत है ये। इसी प्रकार तय है वो दय में परिवर्तित हो जाएगा, तो जगत प्लस में ईश, तो तय किस में परिवर्तन हो गया, आगे क्या, ईश, ईश क्या है, एक है? ई है वो क्या है, सवर है, तो फिर ये हो जाएगा जगत प्लस में ईश क्या हो जाएगा, जगदीश, तय है वो दय में परिवर्तन, तो जगदीश, सत प्लस में आचार सदाचार हो जाएगा, क्योंकि तय है वो दय में हो गया, आगे आ की मात्रा हो जाएगी तो सदाचार हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, उद्घाटन, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस में घाटन, तय है वो दय में परिवर्तन होता है, तो उद्घाटन का उद्घाटन हो जाएगा, उत प्लस में घाटन हो जाएगा। इसी प्रकार से पय है वो बय में परिवर्तित हो जाएगा, अप प्लस में दय, तो अब्द हो जाएगा, पय है वो बय में, तो यहाँ बय है दय का दय आ जाएगा और बय आधा बय है वो। इसी प्रकार से अप प्लस में जय, तो अब्ज हो जाएगा, पय है वो किसमें, बय में परिवर्तन हो गया, पय किसमें परिवर्तन हो गया, बय में, ये देखो यहाँ पे। इसी प्रकार से क्या हो गया, सुबंत, सुबंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूप, क्योंकि बय है तो वो किस में, पय में, सूप प्लस में अंत, ये हो जाएगा। तो ये हो गया अपना स्वर संधि का प्रथम व्यंजन में परिवर्तन वाला नियम है वो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे टेलीग्राम, जो मैंने होमवर्क में डालता हूँ उसमें टेलीग्राम आईडी दी हुई है, उस पर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी वर्ड आपके ऐसा आ जाता है सामने कि हाँ इसका संधि विच्छेद कैसे करें, या विच्छेद किया हुआ है तो इसकी संधि कैसे करें, तो वो आप मेरे को वहाँ से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।